वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई हूँ गाइस, आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका कुसुम गड्डारी वाले ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ ऊपर हरियाली देवी के मंदिर में, वहाँ लगा हुआ मेला और आज है नवमी। तो अब जा रहे हैं हम घूमने के लिए और अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। और वहाँ का मेला 3 दिन से लगा हुआ था, तो मैं 2 दिन गई नहीं, आज तीसरा दिन है। तो आज जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो आपको भी दिखाऊंगी मैं कि कैसे कैसे रहता है। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं हो रही हूँ तैयार, अभी तैयार नहीं हुई हूँ, कपड़े पहने हैं बस, अभी बाल वाल बनाने बाकी रह गए हैं। तो दोस्तों, अगर वहाँ मंदिर में जाते हैं ना, तो क्या बोलते हैं उसको, 3 दिन पहले वहाँ लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, और जो मांस वगैरह होता है ना, चिकन वगैरह होता है, वो एक हफ्ते पहले से नहीं खाते हैं। तब मैंने तो प्याज व्याज खा लिया था, तो इस साल मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगी, मंदिर के बाहर से ही दर्शन करूंगी और आपको भी बताऊंगी। और अभी मैं हो रही हूँ तैयार और देर भी हो गई है, बाल मेरे कैसे और खे, मैं नहा वहा सुबह गई थी पर। तो यहाँ देखो, आपको दिख ही रहे होंगे मेरे कितने बाल, इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों, मेरे सर पे उतने बाल हैं भी नहीं जितने मेरे बाल टूट गए होंगे, बहुत टूट रहे हैं, कोई आधा आधा से टूट रहे हैं, कोई जड़ से ही उखड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, हम जाने लग गए अब, और गाड़ी आगे पे रुकी हुई है हमको, इधर गाड़ी मार्केट में गाड़ी नहीं मिली, अब आगे जाके देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमको मिल चुकी है गाड़ी और अब चलते हैं हम जहाँ हमको जाना है। और मौसम देख सकते हो, आज पूरी धूप खिली हुई थी और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। यहाँ पे चल रहा है रेलवे का काम पूरा जोरों शोरों से, अब यहाँ पे आएगी ट्रेन, फिर हम ट्रेन में जाएंगे जहाँ भी हमको जाना होगा। और रास्ता पूरा उबड़ खाबड़ हो रखा है और यहाँ का जंगल पूरे, इधर हमारे उस साइड पूरे चीड़ के पेड़ रहते हैं, और यहाँ जो नीचे दिख रहा है ये पूरा हमारा घोल दे रहा है, यहाँ रहते हैं हम। और हम देखो कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहाँ से जो पहाड़ है ना उसकी सुंदरता बहुत अच्छी। तो दोस्तों, इस महीने तो सारी जगह झरने निकलते रहते हैं, पर मेरे फ़ोन से साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि चलती गाड़ी में कहाँ दिखता है साफ, पर थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, थोड़ा सा दिख रहा होगा। और मौसम तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम, मज़ा आ गया मौसम को देख के। और गांव में पूरी हरियाली हरियाली हो रखी है इस बार तो। तो दोस्तों, हम उतर चुके हैं गाड़ी से और यहाँ देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब इस बार बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मंदिर के गेट पे, पहले वाले गेट पे। अब चलते हैं आगे, और थोड़ा सा रह गया है मंदिर में आने के लिए। और भीड़ देख ही सकते हो आप कितनी भीड़ लगी हुई है भक्तजनों की, यहाँ देखो लाइन लगानी पड़ रही है अंदर जाने के लिए। मैं तो अंदर जाऊंगी नहीं, मैं बाहर ही से दर्शन करूंगी इस बार। और दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चल रहा है कीर्तन, लोग मस्त भजन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, और यहाँ पे लोग अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ तो ऐसे बेल सब जगह दिखेंगे, ये है कद्दू की बेल, और यहाँ पे हो रहे हैं संतरे इस वाले पेड़ पे, छोटे छोटे अभी हरी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे भाई लोग बना रहे हैं चाउमीन, और अब हम यहाँ पे खाएंगे चाउमीन। यहाँ देखो, ये सब भूतनियाँ हमारे साथ है और खाने वालों की भीड़, और इन दोनों को तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई थी। नीचे सब जगह पंडाल लगा हुआ था, इस वजह से यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऊपर तो थी नहीं उतनी। पर यहाँ देखो, यहाँ पे पुरस्कार वितरण हो रहा था, और यहाँ पे दोस्तों चल रहा है वॉलीबॉल का मैच गौचर और नगरासू वालों का, इन दोनों का मैच चल रहा है, अब देखते हैं फाइनल में कौन जीतता है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम दोबारा मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे हो रहा है हवन, और हवन समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे अंदर पूजा होगी। पूजा होने के बाद बाहर देवी आएगी और बाहर पे थोड़ा नाचेगी, सबको प्रसाद वगैरह देगी। तो यहाँ पे घंटियाँ बज चुकी हैं। तो दोस्तों हम आ चुके थे मंदिर से, और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई पूरी नीचे आने की, पर तुम मौसम देख ही सकते हो कितना प्यारा एकदम सेट लग रहा था, मज़ा आ गया। जो बादल की परछाई थी ना वो नीचे पहाड़ों पे दिख रही थी। और अब चलते हैं हम घर की ओर। तो यहाँ ना पूरे जगह मतलब सारे बांज के पेड़ दिख रहे थे, चीड़ के पेड़ तो कम कम दिख रहे थे, पर यहाँ ज़्यादा बांज, शायद बांज होता है, हमारे उधर नहीं होता है बांज। ये बांज का पेड़ मतलब गाय भैंसों को खिलाते हैं। और यहाँ देखो पूरे पहाड़ पहाड़ों पे घर बने हुए, कितना सुंदर लग रहा है, मज़ा आ गया मज़ा। और बादल मतलब आसमान तो पूरा एकदम सुंदर लग रहा था कि कहीं पर नीला आसमान कहीं पर कुछ, और पहाड़ों के बैंड ऐसे होते हैं जो मतलब गांव वाले होते हैं ना, उनके यहाँ तो ऐसे बैंड होते हैं ज़्यादातर, कच्ची सड़क और ऐसे बैंड। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने घर के थोड़ा सा ऊपर, अब थोड़ा से 2-3 किलोमीटर बचा हुआ, चलते हैं हम घर को।